हापुर के टियाला में कराया गया जीके कंपटीशन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुर के थाना देहात क्षेत्र के टियाला में जीके कंपटीशन 2021 के द्वारा प्रयास एक पहल एक संस्था ने बच्चों को जागरूक व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जीके कंपटीशन कराया, जिसमें गांव में ऐसे छात्रों को कंपटीशन में बैठाया गया जिन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता। इसके तहत शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जीके कंपटीशन कराई गई। आपको बता दें, समाज सेवी राहत चौधरी ने बताया कि प्रयास एक पहल एक ऐसी संस्था है जो अशिक्षित बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए हर प्रयास कर रही है, समय समय पर जीके कंपटीशन कराती रहती है। मेरा नाम राहत चौधरी है। ये एक प्रोग्राम जीके का रखा गया है प्रयास एक पहल की तरफ से। प्रयास एक पहल एक ऐसी संस्था है जो हर वक्त शिक्षा के लिए जागरूक है और बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करती है। और जो भारत के अंदर देखा जाता है, अशिक्षित वर्ग बड़े पैमाने पर पाया गया है। इसीलिए प्रयास एक पहल का एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए बच्चों को जागरूक करें और इस कॉम्पिटिशन के माध्यम से बच्चों को उत्साह बढ़ाना, उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना। क्योंकि कॉम्पिटिशन अगर ये क्लियर करते हैं बच्चे, उनका उत्साह बढ़ता है और आने वाले IPS IAS के जो एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों का मनोबल ऊंचा होता है और उनको इसका लाभ मिलता है। हमारा उद्देश्य यही है राहुल, ये बच्चे शिक्षित होकर कॉम्पिटिशन को क्लियर करें और भविष्य में भारत की उन्नति के लिए, भारत के विकास के लिए काम करें। वहीं कादिर अली ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि समय समय पर जीके कंपटीशन गांव व क्षेत्रों में कराते रहना चाहिए ताकि बच्चों की प्रतिभा आगे बढ़कर आए। सर, मेरा नाम शाह आलम है। सर, ये प्रोग्राम जो है जीके कंपटीशन, आप देख ही रहे हैं पीछे लिखा है 2021, ये एक्चुअल में हमारे गांव के जो एजुकेटेड यूथ है उन्होंने सबने मिलके एक NGO बनाया और उसका नाम रखा प्रयास एक पहल। प्रयास मतलब कुछ अच्छे के लिए, हर समय हमें कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। और ये सभी वो एक टीम है जो आपके सामने बैठी है, इसका कोई एक मुख्य चेहरा नहीं है, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक टीम है। ये एक प्रयास एक पहल की टीम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, इसको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, आने वाले समय के लिए ये यूथ कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे और क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न पे। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे तो ये भी हैं कि अभी उनको आंसर की फिल करना भी नहीं आता है। तो मेन हमारा जो इसका मोटिव है वो ये है कि यूथ को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें, इसका और इससे अलग कोई हमारा मोटिव नहीं है। सर, ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुर हलचल।